इंडिया जो है उसने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किए हैं। परेशानी क्या है, इतना पैसा लगाई जा रहे हैं डिफेंस पे मोदी साहब, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। इतना पैसा डिफेंस पे लगाएंगे तो अभी तो बहुत सारी इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं बहुत सारी चीजों में इंडिया के, ठीक है, लेकिन अगर पैसा ज्यादा डिफेंस पे लगा तो इंडिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कहती है कि पैसा तो वहां पे लगना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ी फेमस दवाई आती थी बर्नौल, जहां कहीं जलन हो कुछ हो वहां बर्नौल लगा दे तो बड़ा इफेक्टिव बर्नौल काम करता है। तो ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये तो मैं जो भी इधर दाएं बाएं ऐसे लोग अफवाह अफवाह उड़ा रहे हैं उनके लिए बर्नौल बहुत हमारे यहाँ मिलता है। बोले तो एक आध कंटेनर भिजवा दे, दो कंटेनर भिजवा दे, कोई कमी नहीं बर्नौल की। अब आते विषय पे, इस देखिए जो सवाल जैसे आप का नहीं, जवाब नहीं है, विषय पे आता हूँ, सवाल पे आता हूँ ना मैं, बिल्कुल पहले बर्नौल इस के सवाल बारे में का नहीं, जवाब नहीं है। हाँ, ये आप एडवर्टाइजर लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, मैं तो सवाल पे जवाब दे रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल दूंगा। देखिए दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, पाकिस्तानी मीडिया का ये रिएक्शन है। इंडिया ने जो अपना नया हेलीकॉप्टर मेड इन इंडिया अटैक बनाया है उसको लेकर, आपको बता दूं भारत में मेड इन इंडिया अटैक हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है प्रचंड। ये 15 बनाए गए हैं, 10 दिए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स को, 5 दिए जाएंगे इंडियन आर्मी को। आपको बता दूं कि ये मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर भारत के लिए कितने ज़रूरी हैं वो तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। हालांकि ये फुल्ली मेड इन इंडिया नहीं है, इसके कुछ पार्ट्स बाहर से बुलवाए गए हैं, लेकिन इसको बनाया भारत में गया है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को। has entered a club of 8 to 10 countries in the world which can manufacture their own LCH. ये LCH हमने बनाया है, right? अगर आप इसके specs की बात करें, करीब 52 फीट, 52 फीट इसकी लेंथ है, 15 से 16 फीट इसकी हाइट है, स्टेट ऑफ आर्ट है, कंपोजिट अलॉयज का बना है, कॉकपिट जो है गिलास का है, विच इज अगेन फॉर ग्रेट विजिबिलिटी, दिन रात कहीं भी फ्लाई कर सकता है। इसमें 3 तरह के मशीन मतलब आर्मर लगता है, मिसाइल लगते हैं, कैनन लगता है, मशीन गन लगता है, और सरफेस टू जो एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू ग्राउंड मिसाइल्स, ये तीनों सिस्टम लगे, एडवांस रडार सिस्टम लगा है, एंड इट इज द लाइटेस्ट हेलीकॉप्टर इन द कैटेगरी। ये लाइटेस्ट है दुनिया में, इतने लाइट वेट का कोई नहीं है। 5,000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ये वाहिद LCA है, ठीक है, पहला हेलीकॉप्टर इस कैटेगरी का। तो दुनिया में 100 से ज्यादा मुल्क LCH यूज करते हैं, बट LCH बनाने वाले करीब केवल 8 मुल्क है, और अगर आप जो जितने भी LCH अवेलेबल है उनमें ये टेक्नोलॉजिकली इट इज द ब्रिलियंट टुडे, इट्स अ मास्टरपीस। और चीमा साहब आपको ये बता दूं कि ये हमने इसमें जो कंपोनेंट्स की बात करेंगे, 45% से 60% कंपोनेंट इंडियन है, वेपन सिस्टम इंडियन है, रडार सिस्टम इंडियन है, सब इंडियन है, और आने वाले टाइम में जितने जितने वर्जन आएंगे हम इसमें इंडिजिनाइजेशन, जितना जितना इंडियन कंपोनेंट है वो बनाएंगे। काम इंडियन इंडस्ट्री को मिला, एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिली, अपना डिफेंस एनहांस किया, 15 यूनिट बनाए हैं, नाम रखा प्रचंड। प्रचंड मीन्स पावरफुल, विच हैज अ लॉट ऑफ और आर एनिग्मा, से प्रचंड कहते हैं, विच इज वेरी विजिबल, कहते हैं सूरज प्रचंड, राइट, टू गिव एन एग्जाम्पल। तो अब इसकी फिर इकोनॉमिक्स के बाद यूटिलिटी पे आते हैं, ठीक है ना, ये रही यहाँ पे। अब चीमा साहब देखिए, अगर आज आप एक चिनूक या अपाची की बात करें तो चिनूक और अपाची करीब करीब आता है $100 मिलियन से ज्यादा का एक पीस, ये बना है चीमा साहब करीब $20 मिलियन में, तो 5 गुना पैसे बचा लिए साहब, 5 गुना पैसे बचा लिए। चिनूक का फ्लाइंग कॉस्ट है $5,000 पर घंटा, इसका फ्लाइंग कॉस्ट है $4,400 पर घंटा, 10 गुना फ्लाइंग कॉस्ट कम है। इंडिजिनियस है, सॉफ्टवेयर पे हमारा कंट्रोल, हार्डवेयर पे हमारा कंट्रोल, कल को हम चाहे इसमें मिसाइल सिस्टम्स और इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे मैं अपने LCA में ब्रह्मोस लगा रहे, एक छोटा वर्जन, वही ब्रह्मोस का वर्जन इसमें भी लग सकता है। और इसकी खासियत क्या, दिन रात तो फ्लाई करेगा ही जी, मतलब दो जगह काम आएगा, हाई अल्टीट्यूड पे ये लद्दाख वद्दाख चाइना वाइना में तो काम आएगा, सियाचिन में भी काम आएगा। और आप जानते हैं LCH काम आता है एंटी टेररिस्ट और एंटी इंसर्जेंसी के लिए, एंटी टेररिज्म और एंटी इंसर्जेंसी के लिए इसको नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी है। राजनाथ सिंह जी का बयान देखिए, कह रहे दुश्मनों पर निशाना लगाएगा जहां भी होंगे, जो भी होंगे, कहीं भी होंगे, दिन में होंगे, रात में होंगे, ऊपर होंगे, नीचे होंगे। और आपको एक और चीज बता दूं, एक्सटेंसिव टेस्टिंग हुई है, सियाचिन में इसकी टेस्टिंग हुई है, रान ऑफ कच्छ में इसकी टेस्टिंग हुई है, यहाँ सिक्किम में इसकी टेस्टिंग हुई है, नीचे तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास भी इसकी टेस्टिंग हुई है। तो ऊपर ऊपर नीचे दाएं बाएं, अब दुश्मन जहां से भी आए सब जगह इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, इसे फुली प्रोवन मशीन, और हमारी इनकी रिक्वायरमेंट खुद की 160 की है। तो अभी तो हमने 15 बनाए, बाकी हमारे पास अपना ही काम बहुत है, और आने वाले टाइम में साल भर में मैं आपको चीमा साहब बताऊं इसका ऑर्डर हमारे पास दुनिया भर से आएगा। जैसे आज LCA में 12 कंट्री इंटरेस्टेड है, वैसे इसमें भी LCH में भी 10-15 कंट्री है, तो क्योंकि LCA से बड़ा मार्केट है LCH का टेक्निकली स्पीकिंग,
there will be a lot of interest for it. And that will enhance our, you know, defense capabilities because we have, देखिए aircraft carrier से तो 6 कंट्रियों में आ गए थे, अब 8 कंट्रियों में आ गए जो LCH बना देते हैं. और ये क्या है, ये था मोदी जी का विजन आत्मनिर्भर भारत को और मेक इन इंडिया का. और इसमें राजनाथ सिंह जी ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा योगदान है उनका जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है हमारे, कि भाई इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म को लाए, इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म को लाए, उनको डेवलप करे लाए. और इसके आने से आपने देखोगे एक दो दिन पहले मीडिया में पूरा था LCH. क्यों? देखिए चीमा साहब, जो जियो पोलिटिकली बहुत बड़ा समाचार होता है, बहुत बड़ी खबर होती है, भाई इंडिया हैज एंटर्ड अगेन वन ऑफ द एलीट क्लब. और मैं नवरात्रों के महीनों की बात करूं या एक महीने की बात करूं, 5G का समाचार आ गया, मैंने आपसे बात की, LCH का समाचार आ गया दुर्गाष्टमी के दिन, और उससे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर. तो एक महीने में तीन बड़े माइलस्टोन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, 5G, LCH और वेपन सिस्टम्स. उसमें बहुत कुछ लगना है, लग चुका है. देखिए मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो ओपन डोमेन में, जो मुझे पता हो सकती है, बाकी अंदर क्या क्या मुझे नहीं पता. और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, एक तो ये बहुत लाइट वेट है, और चीमा साहब इट कैन स्टैंड मशीन गन, लाइट मशीन गन एंड हैवी मशीन गन फायर. बहुत पहला हेलीकॉप्टर हमारा ऐसा है विच कैन स्टैंड हाइट लाइट मशीन गन और हैवी मशीन गन फायर. ये जो आतंकवादी तो जंगलों जंगलों में छुपते रहते हैं ना, तो उनके जो एके वेके वगैरह LMG होगा, तो उससे कुछ इसका होना नहीं है. और दो पायलट बैठते हैं तो आपने देख ही लिया होगा. इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन फॉर मेक इन इंडिया. अब बात करें कि इससे एक मतलब यूटिलिटी का, यूटिलिटी तो मैंने बताई, टेस्टिंग आपको बताई, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स डिजर्व्स अ अप्लॉड. दे हैव रियली प्रोड्यूस्ड अ फैंटास्टिक मशीन एट अ पीनट्स ऑफ अ कॉस्ट. तो इससे पैसे बचते हैं, इससे एक्सपोर्ट के मार्केट खुलते हैं, इससे इंटरनल डिफेंस बनता है, हम ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहे हैं विज़ेवी डिफेंस. और सॉफ्टवेयर हमारे पास, हार्डवेयर हमारे पास, प्लेटफॉर्म हमारे पास, इसका अपग्रेड हमारे पास, इसके मिसाइल सिस्टम हमारे, इसका रडार सिस्टम हमारा. और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इसका जो इंजन है वो भी हमने बनाया. इंजन का नाम है शक्ति. जो LCA का इंजन है वो जो F-22 में लगता है वो ये GA का है, बट यहाँ जो इंजन है ये पूरा हमने बनाया, सेफ्रॉन जो फ्रेंच मैन्युफैक्चरर उनके साथ मिलके. और आने वाले टाइम में देखेंगे 80-90% कंपोनेंट इंडिया आएगा, इंडिया का पैसा इंडिया में लगेगा, इंडिया के मार्केटों में जाएगा, इंडिया के लोग को काम मिलेगा, और हमारी कंट्री सुरक्षित हो जाएगी. तो इसीलिए जो आज देखें आप जियोपॉलिटिकली जो एक स्टॉर्म आया है LCH को लेके इसीलिए आया. देखिए LCH खरीदना बड़ी बात नहीं थी, बस आप LCH होना बड़ी बात नहीं, हमारे पास पहले भी थे, बट LCH को बनाना और स्टेट ऑफ आर्ट बनाना. और इसका USP है 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला वाहिद ये फ्लाइंग मशीन है. दिस इज द USP ऑफ द सिस्टम. तो इसीलिए दुनिया में हार्डकम बची है. देखिए बर्नॉल आता है, सिल्वर सल्फाडीजिन आता है, सिल्वर एक्स नाम से दवाई आती है, कई सारी चीजें आती है. तो उन लोगों को इस वीडियो में ये भी बोलेंगे कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, बर्नॉल पे आपको, बर्नॉल थोड़ा पुराना हो गया, सिल्वर एक्स ट्राई करें. और भी आप बोले तो 2-4 दवाई मैं उन भी जानता हूँ, थोड़ा मेडिकल के बारे में थोड़ा 10-5% ज्ञान रखता हूँ, तो सॉल्ट भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. पहली बात तो यह है कि देखें, वो कहते हैं दुनिया में तरक्की वही कौम करेगी जो मेहनत करेगी. सिंपल से फार्मूला जी, वो खुद से काम करेगी जी. जैसे कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर JF-17 थंडर बनाया जी, आप ये बनाए हैं. आपकी, मैं तो कहता हूँ आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, आपके इंजीनियर्स को और आपकी सरकार को, जिन्होंने वहां पैसा डाला रिसर्च एंड इनोवेशन में, ठीक है. और जो जो सरकारें इसमें जो पैसे डाल दिए, तो बड़ी जो जिसे कहते हैं, मुझे तो खुशी की बात है. चाइनीज परेशान होंगे, जारी बात है, पाकिस्तानी भी इसमें बड़े परेशान है और पाकिस्तानी भी परेशान है, बिकॉज आपने कारगिल का नाम लिया है, तो जारी बात है देखते हैं क्या इसमें होता है. लेकिन जिसे वो कहते हैं कि वो कहते हैं हर शेर को सवा शेर होता है, लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है. एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सुमित भाई, ये सुनने में आ रहा था कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसको एक एनर्जी बूस्ट चाहिए. एनर्जी बूस्ट इसलिए चाहिए कि जो इससे पहले जो फ्रेंच हेलीकॉप्टर्स यूज कर रहे थे, चीताक और चीता वगैरह, ये वो रशियन भी कर रहे थे, इंडियन एयरफोर्स को एक एनर्जी बूस्ट चाहिए. बिकॉज वो जो MiG-21 आए रोज गिरते रहते हैं, कभी सुना 400-500 पायलट जो है वो उसमें वो पुरानी टेक्नोलॉजी में गिर गया. ये जो नई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कर रहा है, एंड जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. जैसे पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर मांगे टर्की से, उसका इंजन अमेरिकन था, उन्होंने कहा जी सॉरी हम आपको नहीं दे सकते. तो ये चीजें तो होती हैं. ये बताइएगा कि ये आपने इंडिजिनस डेवलप किया है, इंडियन एयरफोर्स जो है उसको कितना कॉन्फिडेंस का मसला है. बिकॉज जब MiG-21 गिरते हैं, जब इस तरह के जहाज गिरते हैं, पायलट जाते हैं, तो क्या ये माइंडसेट जेन में रख के चीजें बनाई गई हैं कि पुरानी चीजें एक्सपायर हो रही हैं
और तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन था भारत के जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है उसको लेकर। आपको बता दूं कि भारत में अटैक हेलीकॉप्टर पहले से है, लेकिन ये मेड इन इंडिया अटैक हेलीकॉप्टर है। अटैक हेलीकॉप्टर का मतलब आप समझ सकते हो। आपने आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर से एक निकलती है ऐसा गोल टाइप की गन रहती है जिसमें बहुत सारे राउंड फायर होते हैं, और वो सीधा जो नीचे लोग खड़े रहते हैं, कोई भी खड़ा है अपोनेंट में, वो टेररिस्ट भी हो सकता है, वो अपोनेंट आर्मी के लोग भी हो सकते हैं, उन पर अटैक करता है। तो आप समझ सकते हो ये इस तरीके का हेलीकॉप्टर है, तो इसको बोला जाता है अटैक हेलीकॉप्टर। हालांकि इंडिया में अपाचे पहले से हैं, रशियन अटैक हेलीकॉप्टर है, और ये फिर ऐड हो जाएगा, तो ये एक यूनिक तरीके का कॉम्बिनेशन रहेगा, मिक्सचर रहेगा अटैक हेलीकॉप्टर का इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अभी ये 15 बने हैं और बहुत जल्दी बहुत सारे बनेंगे। हालांकि आपको बता दूं कि ये अटैक हेलीकॉप्टर का पहली बार अगर हमें जरूरत पड़ी थी तो ये करगिल वॉर में पड़ी थी। आपको पता है करगिल वॉर में पाकिस्तान हाइट्स, पाकिस्तानी सोल्जर हाइट्स पर थे, इंडियन नीचे थे, हमें नीचे से जाकर ऊपर लड़ना था, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी। उस टाइम पे हमें कमी महसूस हुई थी, हालांकि बफोर्स फोर्स थी हमारे पास, बट अटैक हेलीकॉप्टर होते तो शायद हम पाकिस्तान की फ़ौज को और जल्दी और बहुत हम अपने सोल्जर जिनको मतलब जो वीर गति को प्राप्त हुए वो कम कम मतलब उनकी वीर गति होती और बहुत सारे सोल्जर हमारे बच जाते और उनको बहुत जल्दी हम पीछे ढकेल देते। तो ये इस तरीके की सिचुएशन के लिए उस टाइम पर डिसाइड किया गया था कि हमें ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत है। तो दोस्तों आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, मेड इन इंडिया के तहत आपको पता है आत्मनिर्भर भारत, एक भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सपना देखा है, और डिफेंस में बहुत हमें जरूरत है क्योंकि हम बहुत सारा डिफेंस का आइटम बाहर से खरीदते हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज कॉमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।